क्या आप चाहते हो कि जिस भी लड़की को आप पसंद करते हो, जो भी आपकी क्रश है, जिसको आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, फ्यूचर वाइफ बनाना चाहते हो, पटाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो आपके बिना एक पल भी ना रह पाए, आपके बिना तरस जाए और आपको अपना बॉयफ्रेंड बना ले और आपको हमेशा 24 घंटे याद करे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बाद लड़की सच में आपको 24 घंटे याद करेगी और आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। तो मेन लॉजिक हमारा आज हम लगाएंगे एक जरूरत को और एक कमी को। इंसान को हम तभी याद करते हैं जब या तो हमारी जरूरत होता है और या तो हमारी वो कमी होता है। इन दोनों में से कोई एक सीन होगा तभी लड़की आपको छोड़कर नहीं जाएगी, आपको अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी, आपको 24 घंटे याद करेगी और आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। क्योंकि अगर आप बाकी लोगों की तरह होंगे, उसके बाकी दोस्तों की तरह होंगे, तो आपके आने से, जाने से, रहने से, ना रहने से, बात करने से, बात ना करने से, गुस्सा होने से, गुस्सा ना होने से, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंसान की लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं लोगों की। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रायोरिटीज होंगी तो मेरे एक नॉर्मल फ्रेंड्स होंगे जिनसे मैं कभी कभार बात करता हूँ, हाय हेलो करता हूँ। उनसे अच्छे एक गुड फ्रेंड्स होंगे जो कि काफी खास हैं, जो कि अच्छे अच्छे मुद्दों पे काम आते हैं, जब भी उनको बुलाता हूँ तो आ जाते हैं। कुछ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो कि बिल्कुल बेस्ट हैं, जो कि बिल्कुल जिगरी यार हैं भाई। उनको कभी भी बुला लो, उनके पास कभी भी चले जाओ, जब भी रोना धोना होता है तो उनके पास होते हैं, वो बेस्ट होते हैं। और होती है फिर एक गर्लफ्रेंड जो हमारी गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो लाइफ में अलग अलग सबकी प्रायोरिटीज होती हैं। हो सकता है आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो गर्लफ्रेंड से ज्यादा, किसी के लिए गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट होगी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा। तो ये सबका अलग अलग होता है, लेकिन बात है कि प्रायोरिटीज सेट होती हैं। अगर आपको किसी के लाइफ में एंटर करना है तो उन प्रायोरिटीज को चीरना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, उनको ना डिफेंड करना पड़ेगा। डिफेंड करें, अटैक करें, वो तो बात की बात है, लेकिन उनको आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि किसी की भी लाइफ में आप ऐसे ही नहीं चले जाओगे। उस लड़की की लाइफ में पहले से ही कुछ लड़के या कोई एक लड़का ऐसा होगा जो कि उसका बॉयफ्रेंड होगा, जो कि उसका क्रश होगा, एक्स होगा, जो भी होगा, जिसको 24 घंटे याद करती होगी, उसको हमेशा पसंद करती होगी, उसके बिना एक पल नहीं रह पाती होगी। तो उसकी लाइफ में वो बंदा पहले से ही है। अगर आपको उसका स्लॉट लेना है, उसकी जगह अपनानी है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसा मैंने आपको बताया, या तो जरूरत बन जाओ और या तो कमी बन जाओ। आपको जरूरत बनना है तो जरूरत बनो, कमी बनना है तो कमी बनो, लेकिन पहले समझ लेते हैं जरूरत क्या होती है और कमी क्या होती है और कौन सा बेहतर है बनना। जरूरत इंसान की वो चीज होती है जो कि रहती है तो अच्छा होता है और नहीं रहती तो इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ दिनों तक याद आती है लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कमी एक ऐसी चीज है जो कि रहती है तो रहती है और ना रहे तो हम उसके बिना रह ही नहीं पाते। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके बाल हैं अच्छे खासे, जितने भी हैं अच्छे हैं ना, कल को अगर ये ना रहें, आप टकले हो जाओ, बाल उड़ जाएं, डैंड्रफ पड़ जाए या जो भी आपके बालों में हो जाए, तो आपकी जरूरत है। अगर वो आपके बाल हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, आपने उसको लहरा रखे हैं, बाल एकदम सेट कर रखे हैं, तो हाँ जरूरत है, अच्छा लगता है, लेकिन कल को नहीं रहेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी जान नहीं जा रही है। लेकिन दूसरी चीज, अगर हम सांस की बात करें तो आपकी कमी है, क्योंकि कल को अगर वो नहीं रही ना तो आप नहीं रहोगे। जरूरत में आपके नाखून आ जाते हैं, कल को बड़े होंगे आप स्टाइलिश रखोगे, जैसा मर्जी वैसा रखोगे, और कल को कट जाएंगे, टूट जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, मर थोड़ी रहे हो। और एक और चीज समझो कि जरूरत इंसान की पूरी की जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं की जा सकती। आप किसी लड़की की जरूरत बन जाओगे ना तो कल को लड़की आपको छोड़कर किसी और के पास जा सकती है, अच्छे खासे चांसेस हैं, लेकिन अगर आप उसकी कमी बनोगे तो लड़की आपको छोड़ नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की अकेले रहती है, उसको जस्ट एक बॉयफ्रेंड बनाना है, बात करने के लिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए, या प्यार करने के लिए, जो भी सिस्टम उसको करना है उसके लिए चाहिए, तो एक से पूरी नहीं होगी तो दूसरे को पकड़ लेगी, दूसरे से पूरी नहीं होगी तो तीसरे को पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि वो जरूरत है और जरूरतें चेंज होती रहती हैं। आज मुझे एक अच्छी जींस लग रही है जो कि ब्लैक कलर की है, कल को मुझे डार्क ब्लैक कलर की अच्छी लगी तो मैं ब्लैक को छोड़ दूंगा, कल को डार्क डेनिम जींस पसंद आएगी जो कि ब्लू कलर की होगी तो उसको पकड़ लूंगा। यानी कि मेरी जरूरतें, मेरे फेवरेटिस चेंज होती रहेंगी। हो सकता है लड़की को आज आप में इंटरेस्ट आ रहा हो, कल को ना है तो आपको छोड़ दे। तो लड़कियों का सिस्टम ऐसा ही होता है, लड़कों का भी होता है लेकिन लड़कियों का ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लड़की की कमी बन जाओ, लड़की आपको छोड़ ही ना पाए, आपके बिना रह ही ना पाए, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ेगी तो उसको पता है कि आपका कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलने वाला, आपके जैसा कोई और लड़का उसको नहीं मिलने वाला, तो आपको छोड़ेगी ही नहीं। तो इंसान की कमी बनो, जरूरत नहीं। कल को लड़की ये ना कहे कि जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, बल्कि लड़की ये कहे कि जब तुम मेरे पास
पसंद नहीं होते तो तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। एनीवे, अब जान लेते हैं कि ऐसा क्या करें कि लड़की हमारे बिना रह ना पाए, या हम उसकी कमी बन जाए, उसकी जरूरत बन जाए, जो भी है जैसा भी बने, लड़की हमारे बिना रह ना पाए और हमें 24 घंटे याद करे। इसका पहला तरीका तो भाई सबको ही पता है कि उसकी आदत बन जाओ, और दूसरा तरीका है कि इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि लड़की आपको छोड़ ही ना पाए। और जो सक्सेस है ये प्रोग्रेसिव सक्सेस है, जिसमें आपको ना एक एक सीढ़ी चढ़ते रहनी पड़ती है। ऐसा कुछ है नहीं, मुकाम नहीं है जिसको आपने हासिल कर लिया तो हाँ लड़की आपको छोड़कर नहीं जाएगी। आपको उस मुकाम को चेंज करते रहना पड़ता है, एक बेटर वे में, एक अपसाइड वे में। एनीवे, पहले बात कर लेते हैं इंसान की आदत कैसे बनते हैं। इंसान की आदत बनने के लिए आपको सबसे पहले छोटी सी लत लगानी पड़ती है, छोटा सा ट्रायल देना पड़ता है, उसके बाद उसकी आदत बनोगे। जैसा मैंने आपको कहा कि उसकी लाइफ में पहले से ही एक लड़का या कुछ लड़के ऐसे होंगे जो कि उसकी प्रायोरिटी के लिस्ट में सबसे टॉप पे होंगे। वो लड़के होंगे ही होंगे, तुम मानो चाहे मत मानो, वो लड़के होंगे ही होंगे। थोड़ा उसको जान लो, बातचीत करो, उसके बाद पता चलेगा कि भाई मुकाबला कितना है। जिंदगी में कंपटीशन ही तो कंपटीशन है। तो जब आप उसकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके लाइफ में पहले से ही कुछ लड़के हैं या कोई लड़का है जो कि आपको एंट्री लेने नहीं देगा। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, और उसको पटाने की कोई कोशिश करेगा तो तुम क्या पट लेने दोगे क्या? नहीं ना। तो अगर वो लड़की उस लड़के को 4 से 5 घंटे रोज के देती है, चाहे उसका बॉयफ्रेंड है, चाहे उसका क्रश है, चाहे कोई भी है, मुझे नहीं पता, जो भी है, लेकिन उसके प्रायोरिटी लिस्ट में हाई है, और उसको 4 से 5 घंटे रोज के देती है, चाहे चैट पे देती है, चाहे कॉल पे देती है, चाहे मिल के देती है, चाहे जैसे भी देती है, लेकिन देती है। अब तुम मुझसे बोलो कि भाई वो 4 के 5 घंटे मुझे चाहिए, उसको एक भी ना दूं, तो ऐसा क्या मुमकिन है? प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं भाई, मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बस की तो मुझे ही बता देना। लेकिन अगर मैं तुमको कहूं कि एक सिगरेट के कस की तरह कि भाई एक बार ट्राई तो कर, ट्राई करने में क्या ज्यादा, भाई एक बार फूंक के तो देख। तुमने उसको फूंक लिया, दूसरे दिन 2 कश मारे, तीसरे दिन 3 कश मारे, एक हफ्ते बाद तुम्हें लत लगेगी कि नहीं? शुरुआत तो हो जाएगी ना। 2-3 महीने बाद क्या होगा कि भैया तुम लग जाओगे उसमें, रोज के रोज फूंकोगे। अब वो सिगरेट तुम्हारी जरूरत बन गई है, कमी बन गई है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते। और शुरुआत कैसे हुई, एक बार ट्राई तो कर। रातों रात किसी की लत नहीं लगती, और रातों रात किसी की जरूरत पूरी नहीं होती, कमी पूरी नहीं होती, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव टाइम लगता है। तो अगर आपको उसकी आदत बनना है तो सबसे पहले आपको उसकी जिंदगी का 5 मिनट लेना पड़ेगा, या जिंदगी का कहो या दिन का 5 मिनट लेना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट बात करो, दैट्स इट, रियली लिटरली बोल रहा हूं 5 मिनट। तुम उसको हाई कर सकते हो व्हाट्सएप पे, FB पे, ट्विटर पे, होता नहीं है, इंस्टाग्राम पे, या कहीं पे भी करो। 5 मिनट के लिए हाई वाई करो, बातचीत करो, तुम क्या हो, कैसी हो, ये वो फलाना ढमकाना चीजें, 5 मिनट, बस 5 मिनट। और अगर दम रखते हो तो जाकर मिलकर उससे बात करो कि हाय माय नेम इज ये, तुम्हारा नाम क्या है, वाओ नाइस नेम, ये चीज वो चीज, आसपास की जो भी रिलेटेड चीज है उससे बात करो, जो भी कुछ हो सकता है 5-6 मिनट बात करो। उसके बाद कह दो भाई कि बब्बा मैं जा रहा हूं, अब मेरे पास टाइम नहीं है यार, थोड़ा बिजी हूं मैं। उससे 5 मिनट को फिर अगली बार तुम 7 से 8 मिनट कर देना, 10 मिनट कर देना, फिर 15 मिनट कर देना, फिर 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और फिर क्या होगा, 4 से 5 घंटा। मजा आ गया ना सुनके? लेकिन इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि जैसे ही तुम उसकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करोगे, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर उठने की कोशिश करोगे, तो लड़के सामने आएंगे, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि रातों रात आप ये काम नहीं कर सकते। अगर एक साथ ही उससे 1-1 घंटे बात करने लगोगे तो उसका दोस्त पूछेगा ना कि आखिरकार कहां टाइम दे रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब आप धीरे धीरे स्लॉट से निकालने लगते हो, जब कभी वो लड़का बिजी हो जाता है तो तुम उसका टाइम लेने लग जाते हो। शायद आपको 5 मिनट मिला हो, अगली बार 10 मिनट मिल जाए, हो सकता है कभी 1 ही मिनट मिले, कभी 2 मिनट मिले, कभी 5 मिनट मिले, ऐसे करते करते धीरे धीरे आप उसको दिखाते हो कि मैं उस लड़के से ज्यादा अच्छा हूं, मैं तुम्हें उस लड़के से ज्यादा हंसा सकता हूं, उससे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता हूं, उससे बेहतर इंसान हूं, तुम्हें मेरे साथ रहने में उस लड़के से ज्यादा मजा आएगा। तो लड़की क्या करेगी, धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट को उससे आप पे शिफ्ट करने लगेगी। इसके लिए आप में दम होना चाहिए, बातों में, आपकी बातों में दम होना चाहिए। अगर आप बात कर सकते हो तो मेरा मानना है कि आप किसी भी लड़की को पटा सकते हो, किसी भी, सच में किसी भी। लेकिन अगर आप बात नहीं कर सकते तो अगर आपके अच्छे लुक्स भी हैं तब भी आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा छोटे से शुरुआत करनी है, 5 मिनट उससे बात करो, जब आप छोटा सा कोई काम हासिल कर लोगे तो आपको मजा भी आएगा और धीरे धीरे ऊपर उठते जाना। और एक चीज जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि आप लड़की को अपनी जरूरत मत बनाना, क्योंकि जैसे ही आप उसको अपनी जरूरत बनाते हो, उसको अपनी कमी बनाते हो, तो आपका
कट जाता है। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनका कट जाए, क्योंकि मैं बहुत लाइफ में अपना कटवा चुका हूं और इसी वजह से कटवा चुका हूं। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी लड़की को अपनी जरूरत मत बनाना भाई, कमी तो बिल्कुल ही मत बनाना और जरूरत भी बनाने की जरूरत नहीं है। वो लड़की आपसे बात करती है, ठीक है, मजा आता है, अच्छा लगता है, सोचता हूँ, विचारता हूँ, लेकिन बात नहीं करती तब भी नो प्रॉब्लम। और एक और चीज याद रखना कि उसके बारे में ज्यादा सोचना मत। आपको क्या करना है कि लड़की को ऐसा करवाओ कि लड़की आपके बारे में ज्यादा सोचे, लेकिन उल्टा होता क्या कि हम लड़की के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे होते हैं और लड़की को फर्क ही नहीं पड़ता। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है कि किसी लड़की को तुमने देखा, आंखों से आंखें मिली, बेशक 2 सेकंड के लिए मिली हो, लेकिन वो तो भाई बिल्कुल कल्याण हो गया, तुम्हारा भाई कांड वांड कर दोगे अब तो तुम। 2 सेकंड के लिए आंखें मिली, तुम घर गए, तुमने उसके बारे में सोचा कि वो 2 सेकंड कैसे थे। उन 2 सेकंड को तुम अलग अलग एंगल से देख रहे होते हो कि उसने यूं देखा था, मैंने ऐसे देखा, फिर हमारी नजरें यूं मिली, मैंने एक छोटी सी स्माइल दी, उसने उसको नोटिस किया, हाय क्या मजा आ गया यार। उस 2 सेकंड को आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे थोड़ी देर बाद फिर सोचते हो, फिर उसके बाद रात में सोने से पहले सोचते हो, फिर सुबह उठते ही सोचते हो, उसको सोच सोच कर आप अपने आप को ऐसा कर लेते हो ना कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन ही जाएगी। आपको लगता है कि वो तो आपको पसंद करती है, वो तो आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही चाहती है, आपको पसंद करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है, सच्चा इश्क करती है और कल को बच्चे अच्छे सब करेगी, ओ माय गॉड। लेकिन जब आप उससे बात करने जाते हो, उसे पूछते हो, उसे बातचीत होती है, तो कहती थी मैं तो देखती ही नहीं थी, व्हाट द फक। फिर तुम्हें समझ में आता है कि जी हाँ, यहां तो मेरा कट गया। और कटा क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली। तो जिंदगी में कभी भी एक्सपेक्टेशंस हाई मत करना। अगर हाँ वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी में है तब तो कर लेना, लेकिन ऐसा मत कर लेना कि भाई वो आसपास है ही नहीं रियलिटी में। खैर, तो आपको आदत का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि छोटे से बड़ी शुरुआत करनी है, पहले 5 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे कर करके आपको 5 घंटे तक जाना है, ताकि जो लड़का है उसको नोटिस में ना आ जाओ कि उसको पता लग जाएगी कोई उसकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि फिर वो आने नहीं देगा। और दूसरी चीज कि आप ऐसा मत करना कि आप उसको इतनी ज्यादा अपनी जरूरत बना लो कि आप उसके बिना रह ना पाओ, क्योंकि जब आप ऐसा कर लेते हो तो आपका कट जाता है और आपको कटना नहीं है, काटना है। और दूसरा पॉइंट, जैसा हमने आपको बताया, सक्सेसफुल हो जाओ, प्रोग्रेसिव सक्सेस हासिल करो। प्रोग्रेसिव क्या होता है उसको मैं आगे आपको बताता रहूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सक्सेसफुल होने के ऊपर। या तो तुम सक्सेसफुल हो जाओ और या तो उसको इतना अश्योर्ड कर दो कि आने वाले टाइम में तुम सक्सेसफुल इंसान बनने ही वाले हो। और सीधे मुद्दे बात करता हूं, सक्सेस से मेरा मतलब सीधा पैसे से है। अगर आपके पास पैसा है तो गर्लफ्रेंड्स आप बना लोगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बना सकते हो, मतलब वो तो है ही पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर पैसा है तो आप बना ही सकते हो। तुम इसके लिए मुझे गाली दे सकते हो, कमेंट में बकवास कर सकते हो कि तूने क्या कहा कि लड़कियों को पैसा चाहिए, तूने ऐसे कैसे कह दिया कि लड़कियों को पैसा चाहिए। भाई मैं तो एकदम खुले चौड़ में कहता हूं कि जी हां, लड़कियों को पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा मुझे भी चाहिए, पैसा तुम्हें भी चाहिए, और लड़की भी इंसान है तो लड़की को भी तो पैसा चाहिए ही होगा ना। कल को शादी के बाद उसको एक रेस्टोरेंट में डेट करने ले जाओगे या उसको खिलाने पिलाने ले जाओगे तो क्या प्यार मोहब्बत दिखा के बिल पे हो जाएगा क्या? नहीं ना, पैसे देने पड़ेंगे ना। और या तो तुम प्यार मोहब्बत दिखा के कर लो, एक पुच्ची पुच्ची लेके काम हो जाए तुम्हारा, तो मुझे ही बता देना, मैं भी उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद जरूर करूंगा। तो लड़की अपने आप में एकदम सही है, लड़की को पैसा चाहिए तो सबको पैसा चाहिए भाई, लड़की कोई खास तो है नहीं, लेकिन हाँ लड़की को सिर्फ आपसे पैसा ही चाहिए तो लड़की गलत है, उसके लिए तो मैं क्या ही कहूं। खैर, आपन का मुद्दा चल रहा था कि आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है और वो भी प्रोग्रेसिव तरीके से। एक चीज समझो, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है। मान लो कि आज के करंट सिनेरियो में उसके आसपास की लोकेलिटी में जितने बंदे हैं, उसके नोन में जितने बंदे हैं, जो भी उसको जिसको जानती है, उसके प्रायोरिटी लिस्ट में जितने बंदे हैं, उन सबसे हाई में हो चुका हूं, उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट में हो चुका हूं, उसको लगता है कि बिल्कुल इसके साथ मेरा करियर सेट है, बहुत ही मस्त लड़का है, सब कुछ सही है इसके अंदर। अब मुझे लगता है कि सब कुछ तो सेट है ही, अब मेरा तो एक क्या ही काटेगी, अब तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसके लिए बनी गया हूं, ये तो कहती है कि तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह पाऊंगी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड बन गए हो, ये हो गया है, वो हो गया, फालतू लड़कियां कहती हैं। उसके बाद क्या होता है कि लड़की धीरे धीरे अटेंशन देना कम करने लग जाती है और आपका काटना शुरू कर देती है, क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि भैया आप कामयाब हो चुके हो, लड़की आपको छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि आप कामयाब हो, लड़की तो कहती है आपको छोड़कर नहीं जाएगी, और ठीक उसी समय एक और तीसरा लड़का होता है जो कि आपके स्लॉट्स को बुक कर रहा होता है 5 मिनट से लेकर 5 घंटे तक। अब वो बंदा आपसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है और धीरे 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 समय लेते लेते बेहतर बन जाता है। लेकिन अगर आपको इसको डिफेंड करना है तो आपको क्या करना है,
प्रोग्रेसिव सक्सेस को अचीव करना है। अगर आज एक मैं इस मुकाम पे हूँ तो कल को मुझे इससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कल को मेरा बाप आ सकता है, तो मुझे उसका बाप बनना पड़ेगा, मुझे उससे बेटर बनना पड़ेगा, बेहतर बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करते रहना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी में ऊंचे उठते रहना पड़ता है, उठना नहीं पड़ता, उठते रहना पड़ता है, भागना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होने वाला कि तुम खूब पैसा कमा के आराम से बैठ जाओगे, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। अंबानी जी के पास कम पैसा है क्या, लेकिन आज फिर भी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि एक भूख होती है, एक लालच होता है, एक इंसान का एटीट्यूड बन जाता है अंदर से ना, एक इमोशंस बन जाते हैं। तो वो जो भी सिस्टम है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और सिस्टम भाई ऐसा है कि मैं खुले चौड़ में कहता हूं कि लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मेहनत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है। तो मुझसे आके पूछोगे गर्लफ्रेंड चाहिए या पैसा चाहिए, खुले चौड़ में कहूंगा मुझे पैसा चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे पहले पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो कल को मैं गर्लफ्रेंड बना सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ गर्लफ्रेंड है तो कल को पैसा आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि दोस्त इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मेरा वो दोस्त मेरी हो, गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट है, तो उनका जरूर कट जाता है और आने वाले टाइम में वही भाई बिल्कुल रोग आ रहे होते हैं और गालियां बकरे होते हैं उनको। एनीवे आपकी चॉइस है, मैं इस पे तो फोर्सफुली आप कुछ नहीं कहूंगा कि आप पैसे को समझिए, अपने दोस्तों के गर्लफ्रेंड को समझिए, जो भी आपका सिस्टम है, लेकिन कमेंट बॉक्स में अभी बता तो जरूर दीजिए कि आपको पैसा चाहिए, आपके दोस्त या गर्लफ्रेंड चाहिए। अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो भैया आप बिल्कुल बिल्कुल महान इंसान हो, बिल्कुल रिस्पेक्ट सैल्यूट है, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ऐसा करिए कि दुनिया देखे, खामोशी में मेहनत करिए ताकि जब शोर हो आपकी कामयाबी का तो बिल्कुल उठकर हो। तो आप जहां पर भी हैं, जैसे भी वहां पर मेहनत करिए, रगड़ के मेहनत करिए। ये मत सोचिए कि आने वाले टाइम में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप आज पढ़ाई करें तो पढ़ाई में जी जान लगाइए, अगर आप ऑफिस में तो ऑफिस में जी जान लगाइए, बिजनेस करें तो उसमें जी जान लगाइए, जो भी काम करें ना वहां पर फाड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी रह गए तो हमें इंस्टाग्राम पर जाकर आप पूछ सकते हो, मैं अभी बिल्कुल तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए अर्पित जेम्स, वहां पर हमारी आईडी आपको मिल जाएगी, फॉलो कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी, ताकि मैं और अच्छी तरह हेल्प कर पाऊं, मोटिवेशन मिले। और वहां पर जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है जिंदगी से लेकर, भाई रिलेशनशिप से लेकर, ब्रेकअप से लेकर, कुछ भी जो भी आपको पूछना है मुझसे पूछिए, बिल्कुल मैं खुशी खुशी वहां पर रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर इंपॉर्टेंट है भाई, शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन आती है उसको ऑन कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।